शिखर धवन के मुकाबले केएल राहुल का दावा ज्यादा मजबूत। टीम इंडिया अब इसी साल होने वाले T20 विश्व कप की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए खिलाड़ियों का चयन तो लगभग तय हो गया है, हालांकि अभी भी कुछ एक खिलाड़ियों में बदलाव की उम्मीद की जा रही है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि हो सकता है पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इस विश्व कप में एक बार फिर नीली जर्सी में नजर आएं। हालांकि यह अभी भविष्य के गर्त में है। वहीं सबसे बड़ा सवाल सलामी जोड़ी को लेकर बना हुआ है। सलामी बल्लेबाज के तौर पर एक तरफ तो हिटमैन रोहित शर्मा होंगे, लेकिन दूसरी ओर कौन होगा? क्या वे केएल राहुल होंगे या फिर शिखर धवन? रोहित शर्मा के साथ जोड़ी बनाते हुए दिखेंगे वह फिलहाल तय नहीं है। आज हम आपको आंकड़ों के हिसाब से बताते हैं कि इन दोनों में से किस खिलाड़ी के आंकड़े क्या बोलते हैं। खेल में वैसे भी सारा कुछ आंकड़ों पर ही निर्भर करता है, चाहे वह किसी भी तरीके से क्यों ना हो। बात सबसे पहले शिखर धवन की करते हैं। शिखर धवन ने अब तक 60 T20 मैच खेले हैं और इन 60 मैचों में कुल 1536 रन बनाए हैं। उनका औसत 27 का है, वहीं उनका स्ट्राइक रेट 127 रन के करीब का है। शिखर धवन ने अपना पहला T20 मैच जून 2011 में खेला था, यानी उन्हें क्रिकेट के इस प्रारूप में खेलते हुए करीब 9 साल हो गए हैं। शिखर धवन ने अब तक 9 अर्धशतक लगाए हैं, वहीं अब तक उनके नाम यहां पर कोई भी शतक नहीं है। अब जरा केएल राहुल के आंकड़े भी जान लीजिए। केएल राहुल ने अब तक मात्र 36 मैच खेले हैं, जिसमें 1183 रन बना चुके हैं। राहुल का रन बनाने का औसत भी 43 रन से ज्यादा है। वहीं स्ट्राइक रेट की बात करें तो राहुल 146 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। उनके नाम अब तक 8 अर्धशतक और 2 शतक इस छोटे फॉर्मेट में दर्ज हैं। हम अभी मिशन 2020 की बात कर रहे हैं, इसलिए अभी वनडे और टेस्ट क्रिकेट की बात ही कर रहे हैं। आंकड़ों पर एक सरसरी नजर दौड़ाते हैं तो हम पाते हैं कि शिखर धवन की अपेक्षा केएल राहुल उनके हर मामले में आगे हैं। कम मैच खेलने के बाद भी उनका स्ट्राइक रेट एवरेज और शतक शिखर धवन से काफी आगे है। इन दोनों की प्रतिद्वंदिता को लेकर विराट कोहली ने भी कहा था कि केएल राहुल और शिखर धवन एक ही जगह के लिए लड़ रहे हैं। विराट कोहली ने कहा था कि केएल राहुल और शिखर धवन दोनों ही शानदार खिलाड़ी हैं और दोनों एक जगह के लिए एक दूसरे के आमने सामने हैं। टीम में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, बात टीम के लिए अच्छा करने की है। यहाँ बड़ी बात यह भी है कि केएल राहुल के भीतर एक तौर पर प्रतिभा है। वे जरूरत पड़ने पर टीम के लिए विकेट कीपिंग की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। इस लिहाज से भी केएल राहुल का पल्ला भारी दिखता है। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और पूर्व चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत ने कहा था कि अगर वे टीम सिलेक्टेड होते तो वह टीम इंडिया के लिए शिखर धवन को नहीं रखते, उनकी जगह केएल राहुल को प्राथमिकता दी जाती। श्रीकांत एक टीवी चैनल में बात कर रहे थे। इसी दौरान एक सवाल के जवाब में श्रीकांत ने कहा है कि श्रीलंका के खिलाफ रन बनाना मायने ही नहीं रखते। अगर मैं चयन समिति का अध्यक्ष होता तो T20 वर्ल्ड कप के लिए शिखर धवन का चयन नहीं करता। उनके और राहुल के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। धवन चोट के कारण लंबे समय के लिए टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं और मंगलवार को ही शिखर धवन ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 मैच में ही वापसी की है। हालांकि वे अच्छी पारी नहीं खेल सके। मंगलवार को शिखर धवन ने 29 गेंदों का सामना किया और 32 रन बनाए। वे डी सिल्वा की गेंद पर LVW आउट हो गए। इंदौर के जिस होलकर स्टेडियम, वैसे भी भारत के सबसे छोटे मैदानों में से एक माना जाता है, इसके बाद भी शिखर धवन के बल्ले से मात्र 2 ही चौके निकल सके। इससे लंबे अरसे बाद उनकी वापसी को अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इसको टीम में लेना चाहिए, केएल राहुल या शिखर धवन? अपना सुझाव कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।